हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कनावनी पुली आई हूँ और ये जो नर्सरी का नाम है ओम नर्सरी है ये, और ये बिल्कुल चौराहे पर ही है ना, ये साथ में मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल बराबर में है ये, और इसका पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नर्सरी काफ़ी बड़ी है, प्लांट्स भी इनके पास बहुत वेराइटी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसी तरह से इनके रेट्स भी थोड़े से हायर साइड पर हैं। लेकिन जो लोग अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी जगह है। करते हैं हरदिल अजीज़ क्रोटन से। ये क्रोटन की इनके पास कई वेराइटीज़ हैं और स्टार्ट होती हैं ये 100 रुपीज़ से। ये जो गोल्डन शावर है ये 100 रुपीज़ की है, और इसके साइज़ में और पॉट में लगी होने से और पॉलीथिन में लगी होने से रेट में बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा। ये वाली जो क्रोटन्स हैं ये आपको 150-200 के आसपास मिलेंगी, क्योंकि ये 6 इंच के पॉलीथिन उसमें प्लास्टिक पॉट में लगी हुई हैं। ये ओलियंडर है, कनेर वाइट कलर का है और आई थिंक डॉर्फ वेराइटी का है। ये 150 रुपये का है और 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये जो प्लांट्स मैं आपको सारे दिखा रही हूँ, इस टाइम इनको ख़रीदने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि ये सब परमानेंट प्लांट्स हैं और इस टाइम इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं ये। और ये मेंडेविले है, पॉट में लगी, 2 कलर में है। ये 450 बता रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्लांट्स लेंगे तो थोड़े कुछ ये बार्गेन भी कर लेंगे। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ड्रेसिना की ही एक वेराइटी है, बहुत हार्डी प्लांट है और इंडोर प्लांट्स में ये बहुत अच्छा चलता है, और सेमी शेड वाले एरिए में या जिनके यहाँ कम धूप आती है उन घरों में ये बहुत अच्छा चलता है। और ये भी प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पॉट में लगे होने के हिसाब से, पन्नी में लगे होने के हिसाब से रेट इसका अलग है, लेकिन स्टार्टिंग फिर भी इनकी 150 है। ये प्लांट एक एक जो है आपको 3-3 फीट की हाइट का मिल रहा है अभी, और एक एक उसमें 2-2, 3-3 लगे हुए हैं। और ये है अलमांडा, अलमांडा की 3 वेराइटीज़ होती हैं। ये जो मैं इस टाइम आपको दिखा रही हूँ ये सबसे बड़े वाले पत्तों वाली है, इसका फूल का साइज़ आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है, और ये 250 रुपये की बता रहे हैं ये, और ये उसमें प्लास्टिक पॉट में लगी है 10 इंच के प्लास्टिक प्लाट में। इसी में ही एक और ये मीडियम साइज़ की होती है, जिसकी आप देख रहे हैं पत्तियाँ थोड़ी छोटी हैं और फूल का साइज़ भी थोड़ा छोटा है। ये भी उसी के हिसाब से रेट कम हो जाता है थोड़ा सा इनका। एक और वेराइटी होती है जिसकी पत्तियाँ और भी छोटी होती हैं और वो बेल वाला भी होता है, तो अभी बेल वाला तो इनके पास है नहीं लेकिन वो होता है। मेंडेविले में इसमें सॉरी अलमांडा में कलर्स बहुत आते हैं, और इनके पास 2-3 कलर ही देख रहे हैं, एक पीछे पिंक कलर भी दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये येलो वाला ही है। बगीचे में लाल पीले फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम ब्राइट, वो एकदम आई कैचिंग होते हैं ना, इसलिए। ये है हाइब्रिड चांदनी फूल, देखिए आप इसका टैगर जिसे हम बोलते हैं, इसकी पत्तियाँ छोटी हैं और ये 150 रुपये का है, और ये ही पॉट में लगा हुआ 200 रुपये का हो जाता है। और इसको आप एक बॉन्साई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टफ प्लांट है, हार्डी प्लांट है, ज़्यादा देखभाल नहीं चाहता है, तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फूल भी इसमें बराबर आते रहते हैं, और मजबूत प्लांट है, नो मेंटेनेंस, परमानेंट प्लांट है। इन सभी प्लांट्स की परचेज इस टाइम पे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बारिश के दिनों में सीजनल प्लांट्स तो बहुत ही कम होते हैं, यही प्लांट्स होते हैं परमानेंट प्लांट्स जो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। पीछे लगी हुई है ये मधुमालती, और ये डॉर्फ वाली मधुमालती है जिसको आप गमले में लगा सकते हैं। फूल इसमें किसी किसी में 1-2 दिख रहे हैं, एक ही फूल दिख रहा है छोटा सा, और ये 150 और 200 रुपये की रेंज में। पीछे रखा हुआ है ये मुसंडा, इसमें 2 कलर है, एक पीच कलर है, एक रेड कलर है। बीच में आप देख रहे हैं पानी काफ़ी भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको पास से ले जाके नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये 200 रुपये का है, पॉलीथिन बैग में लगा हुआ है, एक मैंने भी लिया है अभी है। और नीचे है ये फॉक्सटेल एस्पेरेगस, और ये भी 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और ये भी 100 रुपीज़ का है। पानी, यहाँ बारिश काफ़ी हुई है तो पानी काफ़ी भरा हुआ है, फिसलन भी बहुत तेज़ है। और पीछे रखे हुए हैं एक्जोरा, एक्जोरा के इनके पास 2-3 कलर हैं, लेकिन प्लांट बहुत हेल्दी है, और ये 100 रुपये में, छोटे पन्नी में लगा हुआ 100 रुपये में है, थोड़ी बड़ी पन्नी में लगा हुआ 150 में है, और ज़्यादा बड़े में लगा 250 में भी है, और पॉट में जो लगे हैं वो और ज़्यादा महंगे हैं, है ना। और ये हैं गुलाब रोजेस दिख रहे हैं, ये भी स्टार्टिंग इनकी 150 और 200 रुपये से होती है, और कलर्स इनके पास काफ़ी हैं और प्लांट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं। ये भी पॉलीथिन बैग में लगे हुए हैं और कुछ पॉट्स में भी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एज सच तो देखिए, गुलाब अगर आप नया पौधा ख़रीदना चाह रहे हैं
तो अभी नई ग्राफ्टिंग वाला पौधा आपको नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। नई ग्राफ्टिंग वाला पौधा आप दिवाली के आसपास लें, नवंबर दिसंबर में, तो बहुत अच्छे मिलते हैं। इस टाइम आप गुलाब ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मजबूत तने वाला ओल्ड प्लांट लेना चाहिए, जो आपके पास अच्छा सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि अभी बारिश के बाद फिर धूप भी बहुत तेज़ पड़ेगी, उसके भी महीने भर बाद ठंड स्टार्ट होगी, है ना। तो इतनी तेज़ धूप नया पौधा सहन नहीं कर पाएगा, तो आपको मजबूत मतलब ओल्ड प्लांट लेना चाहिए। ये सारे गुड़हल हैं अलग अलग तरह के, ये तो चाइनीज़ गुड़हल की लाइन है पूरी है, और ये 100-100 रुपीज़ में है और सब पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं। कलर्स ये चाइनीज़ वाले में सिर्फ यही वाला है जो आपको दिख रहा है। प्लांट बहुत हेल्दी हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी घने हैं, कलियाँ सब में आई हुई हैं, पत्तियाँ आपको बहुत हेल्दी दिख रही होंगी। और ये हाइब्रिड गुड़हल वाले में है, एक इसमें से मैंने भी लिया है, ये भी 100 रुपीज़ की, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, घने घने पेड़ हैं, और ये सब 100 रुपीज़ में। कलर इसमें दो चार ही दिख रहे हैं, ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहे हैं, एक ये दिख रहा है कलर। और ये पीछे ये भी बड़े बड़े भी रखे हुए हैं, ये भी मजबूत प्लांट हैं, आप देख रहे हैं तने सबके काफ़ी अच्छे मजबूत हैं। इस तरह के ये प्लांट परमानेंट हैं, जिनको लेने का ये बिल्कुल सही टाइम है। पीछे रखे हुए हैं एरोकेरिया, जिनको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, और ये भी 450-500 की रेंज में है। प्लांट बहुत हेल्दी हैं, कहीं से कोई सूखा पत्ता है ही नहीं, और 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। और ये भी डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, देखभाल तो इनकी नहीं है, बस इतना ही है कि इनको धूप से इनको बचाना होता है, ये इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे चलते हैं। बाकी ये चंपा की कटिंग्स लगी हुई हैं और सब तैयार हैं, क्योंकि इनमें देखिए नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं, और ये सब 150 रुपये के और 200 रुपये के हैं। यहाँ रखा हुआ है ये श्रील प्लांट, मेरे पास अभी देख के बहुत लोग मांगते हैं, और इनके पास ये एक ही कलर दिख रहा है लेकिन, और ये भी 150 और 200 रुपये की रेंज में, प्लांट के साइज़ के हिसाब से। नर्सरी काफ़ी बड़ी है और इनके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, और सब बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि रेट्स थोड़े से मतलब बाकी नर्सरी से थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उन प्लांट्स की सेहत कंडीशन देखो और इन प्लांट्स को देखो तो आपको एकदम फ़र्क समझ में आता है, तो मैं प्रिफ़र करती हूँ इधर से ही ज़्यादा लेती हूँ। ये है मोगरा, और ये जैस्मिन भी बोलते हैं इसे, और ये काफ़ी अच्छे इनके फूल आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सब पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं और 150 और 200 रुपये की रेंज में है ये। ये है लेवेंडर, और इसकी बहुत अच्छे फूल आते हैं, आप देख रहे हैं अब आना स्टार्ट हुए हैं, और ये भी परमानेंट प्लांट ही है, और विंटर्स में तो अभी ये बहुत भर भर के फूल देगा, तो ये भी अच्छी एक चॉइस है इस टाइम ख़रीदने के लिए। और ये भी इनका 150 रुपये में है, पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है। क्रोटन की इनके पास काफ़ी वेराइटी है, जो आप देखें तो समझ सकते हैं। ये जो क्रोटन है देखिए काफ़ी घना है ये पौधा, और उसमें कट्टे में लगा हुआ है, ये 450 का कह रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ है ना, रेट इनके थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन प्लांट की क्वालिटी आप देख के कहीं पे डाउट नहीं कर सकते, कहीं फिंगर नहीं पॉइंट आउट कर सकते। ये है शेफलेरा, यहाँ दो तरह का शेफलेरा दिख रहा है आपको, एक ड्वार्फ वेराइटी है और पीछे थोड़ी नॉर्मल हमारी जो ऑर्डनरी वेराइटी है। ये आगे वाले जो हैं ये 200 रुपये के हैं, पीछे वाले जो हैं 150 और 200 रुपये के हैं, प्लांट की हाइट के हिसाब से। इसके नेक्स्ट है ये सिंगोनम, सिंगोनियम की बड़ी वेराइटी है इनके पास, ये जो आपको दिख रहे हैं ये 100 रुपीज़ की हैं, ये वाली वेराइटी है ये, और नीट आगे रेड पत्ते वाली है, ये भी 100 रुपीज़ में है। ये जो गोल्डन पाथोस है ये भी 100 रुपीज़ में है, और पीछे जो है सिंगोनियम की 3-4 वेराइटीज़ हैं, ये सब 100 रुपीज़ की हैं, और ये सब 6 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। ये वाला जो सिंगोनियम और गोल्डन पॉथोस है ये भी 100 रुपीज़ का है, ये जनाडो ये भी 100 रुपीज़ का है। प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी है, ये थोड़ी बड़े वाले साइज़ की सिंगोनियम है, और पीछे आपको दिख रहा है सेंसेवेरिया, ये इसका रेट अलग है, ये 250 रुपये का है, और ये वाला जो है ये 150 रुपये का है। प्लांट्स इन ये भी बहुत हार्डी प्लांट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक बार आप इन्हें लेके और इनको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके पास पॉट्स भी हैं और प्लास्टिक पॉट भी हैं और फाइबर के भी हैं, सीमेंट और मिट्टी के पॉट्स भी हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं, उनके लिए मैं वीडियो अलग बना के दूंगी आपको, क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्प करेगा प्लांट्स की परचेज़ में। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।